नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रंगे हाथ अय्यापुर के दरोगा को धर दबोचा है। सदर आलम नाम है दरोगा का, जिन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है निगरानी विभाग की टीम ने। और 0 माइल के समीप घूस लेते, 10,000 की घूस लेते निगरानी विभाग ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। पूरे मामले को लेकर उन्हें निगरानी विभाग में लाया गया है। यहाँ जो कार्यालय है उसमें उन्हें बिठाया गया, पूछताछ की जा रही है। वहीं अधिकारी का क्या कुछ कहना है, निगरानी विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, और साथ साथ जिन्होंने शिकायत करता है जिसके से घूस ली जा रही थी उसका क्या कुछ कहना है, दोनों का आप बयान सुनिए। हाँ, ये आज करीब 2:30 बजे दिन में अहियापुर के सब इंस्पेक्टर सदर आलम को 10,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मामला था कि आज से करीब 2 महीना पहले पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई झड़प हुई थी बखरी चौक के आसपास। उसी में 342/21 अहियापुर कांड दर्ज हुआ था। उसमें 9 नेमिंग और कुछ अज्ञात के विरुद्ध में कांड दर्ज हुआ था। उसी में वादिनी है तवस्सुम आरा, जो बखरी के आसपास के ही रहने वाली हैं, उनके बेटा आज़ाद को इनके द्वारा बोला गया कि उस केस में नाम आ रहा है, तो नाम हटाने और कटाने के नाम पर 10,000 रुपया उससे रिश्वत की मांग की गई थी। उसने जाकर के वहाँ शिकायत किया हमारे निगरानी में, उसका जांच कराया गया। जांच कराने के बाद में बात सही पाई गई। आज इनको निगरानी टीम के साथ 10,000 रुपया लेते हुए 0 माइल के पास गिरफ्तार किया गया। इसमें आगे कार्रवाई क्या हो रही है? इनको गिरफ्तार करके अब हम लोग ले जा रहे हैं जेल। हाँ, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। नाम डाल दिया, कहा आप पैसा भरा। 2 महीना से हमको सोने नहीं देता। मैंने, क्या नाम है बच्चा का? मोहम्मद आजाद। आपका क्या नाम हुआ? तबस्सुम आरा। कहाँ घर हुआ? बड़ा जगन्नाथ सिपा। तो आपके बच्चे क्या नाम हटाने के लिए पैसा मांगा? हाँ। कितना पैसा दोगी तब नाम? हाँ, नहीं तो हम तुम्हारे बेटा के, हमको ऊपर से एसपी सर भेज रहे हैं खबर, हम तुम्हारे बेटा को फंसा देंगे। कितना पैसा? और इनको पैसा का डिमांड वगैरह होता है? 10,000। 10,000 का आज पैसा लेकर के बुलाया था जी? कहाँ पे? गायत्री होटल के पास, गायत्री होटल चाय दुकान। और उनको गांव में गलत संबंध है कुछ लोगों से, उनके यहाँ इनको जान आना है, वो लोग भी जान। संबंध किससे है? ये सदर आलम का जी। हाँ, कौन गांव में घर हुआ आपका? कौन गांव में घर हुआ? सिपाहपुर। सिपाहपुर घर हुआ जी। अच्छा, कितना नंबर केस है आपका? 342/21। तो आपने सुना कि अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि एक मामला दर्ज था अय्यापुर थाने में, जिसमें नाम कटवाने को लेकर घूस मांगी जा रही थी। करीब 10,000 की घूस दी जा रही थी, इसको लेकर रंगे हाथ पकड़ा गया है। निगरानी विभाग में पहले ही शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद निगरानी विभाग ने मामले की छानबीन की और आज उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल निगरानी विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो बिहार में ऐसे ही मामले लगातार सामने आते हैं कि अधिकारियों द्वारा घूस मांगी जाती है और घूस लेते हैं, जिसको लेकर निगरानी विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है और गिरफ्तार भी कर रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।